डॉक्टर दंपतियों के द्वारा करोड़ों की भूमि हड़प करने का एक मामला सामने आया है। डॉक्टर दंपति ने बिना किसी जांच पड़ताल के लोकनाथपुरम में स्थित एक बेशकीमती प्लाट को खरीद लिया और इस पर अपना कब्जा भी जमाने लगे, जबकि उक्त प्लाट किसी और व्यक्ति के नाम दर्ज है। इस मामले की जैसे ही जानकारी उस प्लाट के मूल मालिक को लगी तो तत्काल ही उस प्लाट के मालिक ने थाना सिविल लाइन में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में डॉक्टर दंपतियों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ। अब ये मामला इसलिए तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि डॉक्टर दंपति एक बहुचर्चित डॉक्टर हैं। वह दिल्ली से छतरपुर में आकर रहने लगे हैं और यहीं पर डॉक्टरी का पेशा कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मुदित शर्मा और उनकी पत्नी रश्मि झामर की, जिन्हें अभी छतरपुर में आए मात्र 4 वर्ष हुए हैं और उन्होंने लोकनाथपुरम में कई करोड़ों का ये प्लाट खरीद लिया है। इस प्लाट के मुख्य मालिक जब सतीश पटेरिया को इस मामले की जानकारी लगी तो तत्काल ही वह लोकनाथपुरम स्थित अपने प्लाट पर पहुंचे तो वहां पर देखा कि ये डॉक्टर दंपत्ति वहां पर JCB चलवा रहे हैं और वहां पर लगी तार फेंसिंग को इनके द्वारा अलग कर दिया गया है। इस मामले की तत्काल शिकायत उन्होंने थाना सिविल लाइन में की। तो इस मामले को संज्ञान में लेकर थाना प्रभारी द्वारा डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ 420 और अन्य धाराओं के तहत मामला भी पंजीबद्ध कर लिया गया है। डॉक्टर दंपत्ति के द्वारा इस मामले में फर्जी दस्तावेज भी SDM कार्यालय में पेश किए गए हैं और कहा गया है कि उक्त प्लाट पर उन्हीं का कब्जा है। इस प्लाट के मूल मालिक को इसकी जानकारी लगी तो तत्काल ही उन्होंने इस मामले की सूचना पुनः थाने में दी है और SDM कार्यालय में भी शिकायत की है और कहा है कि उक्त प्लाट पर उन्हीं का कब्जा है। ये डॉक्टर दंपत्ति दमंगई के जरिए उनके प्लाट पर कब्जा करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा इस प्लाट के मूल मालिक ने। यहाँ लोकनाथपुरम में सन 1994 में हमने एक जमीन खरीदी थी ऋषि राम गंगेले जी से। मैं था उसमें और हमारे कुछ सहखातेदार थे और मेरी बहनें भी थी। जिस स्पॉट पे ये विवाद हुआ है उस स्पॉट पे डॉक्टर साहब का दूसरे खसरे से हमारे स्पॉट को दिखा के और रजिस्ट्री कर दी गई। उस आधार पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये तो मेरी जमीन है, जबकि उस पर शुरू से कब्जा मालकाना हक मेरा है। इसके बावजूद भी जब डॉक्टर साहब ने इसमें SDM साहब के यहाँ 145 का प्रकरण चलाया, उस 145 के प्रकरण में भी इस रिपोर्ट दी गई, पंचनामा और प्रतिवेदन दिया गया पटवारी जी का RI साहब का, कि इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि सन 94 से मेरा क्रय दिनांक से वहां पर कब्जा है। उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब ने एक आवेदन देके SDM साहब को गुमराह करके कि मैंने कब्जा प्राप्त कर लिया है दिनांक 20/3/2024 को, इस आधार पे 23 तारीख को मेरी लगी लगाई प्लॉट की फेंसिंग JCB वगैरह से और लेबर से उखड़वा दी। कितने स्क्वायर फीट का प्लॉट है?